नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत। अक्सर विवादों में रहने वाली दिल्ली पुलिस एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल मामला रोहिणी जिले के अमन विहार थाना इलाके का है, जहां पर एक शख्स ने आरोप लगाया है कि गाड़ी चेक करने के नाम पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। आपको बता दें कि ये उस समय के हालात हैं जब बीते कुछ दिनों पहले ही कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत दिल्ली पुलिस ने लोगों के साथ कई ऐसे कार्यक्रम किए जहां पर दिल्ली पुलिस लोगों के साथ जुड़ सके। लेकिन एक ऐसा चेहरा जो दिल्ली पुलिस को ना केवल बदनाम कर रहा है बल्कि यहां पर दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। देखना होगा अब क्या कार्रवाई इस पर दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाता है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही अक्सर सुर्खियों में रहने वाली दिल्ली पुलिस एक बार फिर से विवादों में है। इस बार दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर ना केवल सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं बल्कि पुलिसकर्मी पर लोगों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूरा मामला रोहिणी जिले के अमन विहार थाना इलाके से सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी पर एक युवक ने गाड़ी चेकिंग करने के नाम पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार एक युवक रोहिणी सेक्टर 20 से दवाई और कुछ जरूरी किताबें लेकर सुल्तानपुरी अपने घर की ओर जा रहा था। इस बीच एक पुलिसकर्मी ने गाड़ी चेकिंग करने के नाम पर युवक को रोका। युवक मोबाइल में अपने कागज दिखा रहा था, लेकिन ये बात पुलिसकर्मी को नागवार गुजरी। बस इतने पर पुलिसकर्मी ने बदसलूकी शुरू कर दी और पुलिसकर्मी मारपीट पर उतर आया। लोगों के मुताबिक पुलिसकर्मी का नाम गौरव बताया जा रहा है। मैं जा रहा था और उन्होंने मेरे को रोका और इन्होंने मेरे से आरसी मांगी, तो मेरे फ़ोन में थी, करंट में नहीं थी, बट फ़ोन में मैंने इन्हें दिखाई तो इन्होंने बोला चाबी दे। तो मैंने बोला सर आपको अलाउ नहीं है चाबी मांगना ऐसे। तो इन्होंने मेरी हाथ पहले तो पूरा मोड़ दिया, फिर इन्होंने मेरे घुसे कोहनी सर पे मारने लगे और मेरे को बेहोश कर दिया पूरा। और मेरी गाड़ी एक पुलिस वाला और बुला के गाड़ी लेके आ गए और 50,000 रुपये जेब में थे, फ़ोन भी छीन लिया इन्होंने मेरा और बहुत गलत बातें बोली, गालियां दी इन्होंने मुझे, पैसे भी छीन लिए। 50,000 रुपये जेब में थे मेरे, चाचा ने दिए थे मेरे। पहले इसको मारा गया, ये फ़ोन मिलाने लगा मेरे को, इतनी देर में इसका फ़ोन ले गए, इसका स्विच ऑफ करके जेब में रख दिया, ठीक है जी। इसकी बाइक छीन के ले गए, मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, फ़ोन नहीं मिल रहा, इसने किसी दूसरे से फ़ोन मिलाया, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी, उन्होंने बात कराई है। ये बेहोश हो गया था हमारा बच्चा जी, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, 12वीं क्लास पढ़ता है, ये चैन तोड़ेगा। किस काम से? पैसे की कमी नहीं है जी, हमारा काम धंधा अपना खुद का है, पब्लिक भड़क रही है जी, पब्लिक वो ये नहीं है अपना जो बीट वाला है जी, इसने दो दिन पहले किसी एक और को मारा है, उसकी दो पसली तोड़ दी है। ये पूरा प्रकरण ऐसा तूल पकड़ा कि स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो गए। हालात बिगड़ते देख मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी पहुंच गए, लेकिन बेकाबू हुए स्थानीय लोगों ने SHO की गाड़ी को भी घेर लिया। इस दौरान पुलिस के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल या निशान खड़े किए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां आए दिन पुलिस का इस तरह का अमानवीय चेहरा देखने को मिलता है। लोगों ने अपील की है कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लड़का जो यहाँ आया था वो उसने हमारे से बताया कि भाई वो अपने दोस्त के घर अपनी किताब लेने के लिए आया था, कल उसका पेपर था, वो नहीं मिला था, उसने यहाँ से मोमोज खरीदे, वो लड़का अपने बाप की दवाई लेकर गया, कुछ प्रसाद उरसाद लिया उसने, और वो जैसे जाने लगा था उसने पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। क्या बताया था वो, क्या बोल रहा था उसको? आरसी बोला, तू तो आरसी है। नहीं, तू तो सरनेचर है। आरसी मांग रहा था गाड़ी की, बोला आरसी दिखा, वो बोला उसने फोन में आरसी दिखाई तो कह रहा कि वो घर से मंगाओ, तो वो फोन करने लगा, इतना फोन उसने करा, इतने में तो उसने फोन भी छीन लिया और उस लड़के का मारा, खूब मारा वो लड़का। एक गरीब आदमी को बेचारे को मारा, लड़के को बेचारे को ना मिलता, वो बंदा तो आया अपने उसके पापा का कैंसर हो रहा था, दवाई लेने आया था, पर किसी गरीब आदमी को मारा पुलिस वालों ने, और गाड़ी है बाइक है देखो ये वाली है, वह छोड़ के भाग गए, उससे कांच मांगे थे, आरसी मांगे थे, आरसी नहीं थी जी इसके पास, तो उस बेचारे को मारा और फोन भी छीन के भाग गया, गाड़ी भी लेके उसकी। क्या पुलिस वाला नशे की हालत में था क्या? जी नशे में थे जी, दोनों जारी नशे में रहते हैं जी, आपको गरीब आदमी को मारते हैं यहाँ पर शाम के टाइम, वो 24 घंटा
पूरी तरह उसको इतने बोल रहा है कि तेरे नीचे से डंडा डाल के ऊपर निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। और इतना मारा उस लड़के को, बहुत ही वो लड़का मतलब पहले से बीमार है और इतना हरासमेंट हुआ पड़ा है बहुत ज्यादा की गई मेरे साथ ही। मैं उसको ये बोला पुलिस वाले को, मैं कि तेरा मारने का कौन सा हक है, वो मेरे को बोलता है तू प्रधान लगा है, तेरी प्रधानी भी निकाल दूं मैं। मुझे ये शब्द बोले उसने, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिक के रक्षक है, भक्षक नहीं है। यूनिफॉर्म में, फुल यूनिफॉर्म में, हाँ पहले भी वहाँ एक परवा टेंट वाले हाउस का लड़का है, उसकी भी उन्होंने थाने में ले जाके पसली तोड़ दी है इसी अफसर ने, गौरव ने। अपने पिता का दवाई लेने यहाँ आया था, उसकी बाइक रोक ली गई, बाइक रोकने के बाद कागज दिखा, वो अपने मोबाइल सारा कागज दिखा रहा था, तो वो कह रहा था कागज दिखा रहा या तू वीडियो बना रहा, इसी बात पे थोड़ी बात है, मेरे पास तो है निकाल जो भी है मोबाइल में, इसी बात पे थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद सिर पे मारा जी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को अब पुलिस बड़ी ही गंभीरता से ले रही है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस कहे जाने वाली पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस का ऐसा अमानवीय चेहरा कोई पहली बार देखने को नहीं मिला है, इससे पहले भी पुलिस के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मी को वर्दी वाला गुंडा की भी संज्ञा कई बार दी जा चुकी है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और पीड़ित को किस हद तक न्याय दिलाने में कामयाब होती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।